कितना फिर सारे सो व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का एक नए दिन और एक नए व्लॉग में। मैं आपका अपना रूपम स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल प्रोफिट में। तो गाइस डे टू एपिसोड टू दनांग सीरीज में आपका स्वागत है। सो आज डे टू है हमारा और हम लोग रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ने दोनों ने सेम सेम कपड़े पहने, कपल क्लोथिंग। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं होयान, यहाँ की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है वो, और काफ़ी कुछ मैंने सुना था उसके बारे में और काफ़ी कुछ गूगल पे भी पढ़ा। तो अभी हम लोग जाते हैं होयान में, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसी कैसी प्लेसेस है, कैसी कैसी अच्छी जगह पे आप जा सकते हैं। सो आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको वहाँ पे। अभी हम लोग ड्राइव करके जाएंगे बाइक से, तो स्टे ट्यून। हमारे डे टू की शुरुआत हो चुकी है, अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट ब्रेड जैम नूडल्स खा रहा हूँ साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होयान के लिए। हम लोग तीनों में है, मेरी वाइफ बेबो और मेरा फ्रेंड से भी, तीनों जा रहे हैं होयान के लिए। हम लोग निकल चुके हैं, हम बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते चलाते ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। सो एयर मास्क, बाय बाय। होयान एशियन टाउन, ये यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर ने इसमें काफ़ी कलरफुल बनाया है। मोस्टली इनके जो वुड वगैरह यूज है वो चाइना के वुड हैं। अच्छा है बीच वगैरह पे पहनने के लिए। हाँ हाँ बाबू। अभी हम लोग यहाँ के ट्रेडिशनल रिक्शा में बैठे हैं। जैसे कि आप लोगों ने दिखाया है कोलकाता साइड या फिर कई साइड होते हैं काफी टाइप के। सो मैं आपको दिखाता हूँ इनका ट्रेडिशनल रिक्शा। ये लोग हम लोग को 25 मिनट्स घुमाएंगे पूरा होयान का एशियन टाउन। तो हम लोग से 100,000 लोग चार्ज कर रहे हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो कि इंडियन रुपीज में कितने होते हैं। What is this? Banana. Banana. Oh. So ये बन रही है हमारी बनाना आइसक्रीम। Wow. इसके नीचे कुछ तो रहता रहेगा, टेम्परेचर है ना, ठंडा रहता रहेगा। Can I touch this? No problem. मेरी बनाना आइसक्रीम रेडी हो गई है क्योंकि काफी गर्मी है, तो इसके लिए हम लोग ने आइसक्रीम ऑर्डर किया। सो हम लोग
आइसक्रीम खाते हैं, एंजॉय करते हैं और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। तो हम लोग ने जो ये टिकट लिया था 60 VND का, सो इसमें हम लोग सिर्फ 5 प्लेस विजिट कर सकते हैं। इनमें से कौन से भी 5? इनमें से जो आपको मैप दिया जाएगा उनमें से कोई भी 5 प्लेसेस पे विजिट करना है। सो दिस इज अवर सेकंड प्लेस। सो उन्होंने 2 टिकट हमारी काट दी, सो अभी हमारे पास 3 टिकट बाकी है। फर्स्ट हम लोग गए थे जैपनीज ब्रिज एंड सेकंड नाउ अभी हम लोग आए हैं बुद्ध टेम्पल में पगोड़ा। एज यू कैन सी इसका आर्किटेक्ट काफी कमाल का रहेगा, जो इतना अच्छा इतना ब्यूटीफुल डिजाइनिंग किया है। वेरी ब्यूटीफुल। सो ये दूसरी प्लेस थी ना हमारी, दूसरी प्लेस के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं थर्ड प्लेस में। 46 नंबर पे क्या है बाबू, 46 नंबर पे? तो हम लोग किसी असेंबली हॉल है। सो वहाँ के जहाँ पे हम लोग सेकंड प्लेस पे गए थे फकोड़ा, वहाँ की एक गार्ड ने हम लोग को सजेस्ट किया, सो तुम लोग जाओ 46 नंबर पे, वो काफ़ी अच्छी जगह है। सो दिस प्लेस इज हो या ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लेस। यहाँ पे बहुत, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में कैसे वैद्य लोग होते थे, सो इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन कैसे बनती है ये मास्टर जी बेचते हैं यहाँ पे मेडिसिन। सिंपल आ रहा है। आपने पानी लिया था घर? नहीं नहीं लगा ना पहले के। ये सामने भी तो कुछ है। ये जो मेडिसिन पड़ी हुई हैं, जो 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 चीज़ों से जो बनती थी, जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये रहे, आप देख सकते हैं नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मीन्स की काफ़ी जो चीज़ें अभी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, आप देख सकते हैं पुराने टाइम में वही सब चीज़ें यूज़ होती थी। ये जो बने इंग्रेडिएंट्स वो सारे देखे, ये लीव्स से बने जो है। एकदम नेचुरल तरीके से थेरेपी वगैरह करते थे, पॉइंट्स दबा के बीमारियों को ठीक करना, और जो ये नेचुरल चीज़ें हैं उनसे दवाइयाँ बना के ठीक करना, कुछ भी केमिकल का यूज़ नहीं होता था वो टाइम पे।